इस्लाम मजहब में 5 फर्जों में एक फर्ज हज भी है। हर साल की तरह इस वर्ष भी हज पर जाने वाले हज यात्रियों का जत्था खरगोन शहर से बॉम्बे की ओर रवाना हुआ। इस मौके पर हज यात्रियों को लोगों ने गले मिलकर मुबारकबाद दी और दुआओं की दरखास्त के लिए कहा। मध्य प्रदेश हज वेयरफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष जाकिर खान ने बताया कि जिले भर से हज कमेटी के 178 हाजी और प्राइवेट टूर से 40 हज यात्री गुरुवार को खरगोन शहर सहित जिले भर से हाजी बॉम्बे पहुंचकर मक्का मदीने के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचकर 40 दिन रहकर हज के अरकान पूरा करेंगे और देश के लिए अमन व अमान और खुशहाली की दुआएं करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जिले भर से 140 के लगभग हाजी जो है रवाना हो रहे हैं। कुल टोटल जो है 218 हैं, जिसमें से 178 हज कमेटी से हैं और 40 प्राइवेट टूर से हैं। उसमें से ज़्यादातर की तारीख 13 तारीख है। ये लोग 13 तारीख को मुंबई से मदीना शरीफ के लिए उड़ान भरेंगे और बाद वाले लोग मुंबई से जद्दा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। दोनों की तारीखें अलग अलग आई हैं और आज सभी लोगों ने यहाँ से इनको खुशहाली के साथ और दुआओं के तलबगार होने के साथ जो है इनको विदाई दी है और सभी लोगों को भावभीनी विदाई दी गई है। सब लोग जाएं और वहाँ पर जो है अपने देश के लिए और मुल्क के लिए, जिले के लिए खुशहाली की दुआ करें, यही सबने गुजारिश करी है। और वहाँ कितने दिन रहते हैं? ये 40 दिन 42 दिन का इनका पैकेज रहता है। 42 दिन वहाँ रहते हैं, मक्का रहते हैं, कुछ दिन मदीने रहते हैं और हज के 5 दिन होते हैं। 5 दिन में हज के अरकान अदा करते हैं, बाकी दिन ये लोग मक्के और मदीने शरीफ में रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर खान। किस पद पे हो? हज वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश उपाध्यक्ष।